आज मैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। बुक का नेम वगैरह मैं आपको मेंशन कर दूंगी या मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया है, 8C है। मैं आपको बुक का नाम और ये सारा आगे लास्ट में मैं आपको पेज का नंबर भी दिखा दूंगी, हर चीज़ मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। ये 6th क्लास की शायद 6A है की बुक है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 5x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2x और ब्रैकेट क्लोज है। सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? 5x को 5x को नीचे रहेगा, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करनी होती है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, प्लस 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 होता है ये वाला टेबल, हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। प्लस माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। ये टेबल हमेशा दिमाग में बिठा लें, इससे ही सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। 3x के बाद हमारे पास आएगा 4x, में से 2x जाएगा तो माइनस का माइनस प्लस प्लस का 2x आएगा क्योंकि बड़ी साइन के साथ प्लस लगी हुई है। अभी हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं इसको। 3x प्लस 2x आएगा और ये कर्व ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे। 5x माइनस 5x, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, हम लिखते नहीं है प्लस का साइन, ये ऐसे हो जाएगा। 5 में से 5 हमारा जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे और इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ही देखते हैं इसका, वो भी बहुत आसान है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 8a माइनस 4a माइनस 3a, यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी, और 3a प्लस 5a और ये ब्रैकेट क्लोज है। क्रॉस ब्रैकेट भी 8a ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4a माइनस 3a और 5a को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8a। नेक्स्ट वाले स्टेप में 8a माइनस 4a माइनस प्लस माइनस होगा, 8a आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, 8a में से 4a में से 8a माइनस करेंगे तो माइनस का 4a आएगा। सही है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 4a कर देंगे हम और इसका आंसर आ जाएगा 12a। ओके, होपली दो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही मैं और इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।